हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। राधास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं फिश करी, जो दही के साथ अलग किस्म का है। ये तो दही में मच्छी को बनाने से बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए ली हूँ मैं 5 पीस मच्छी, और इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसको मैरिनेट कर लेंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको रख देंगे। हल्दी और नमक को मच्छी में कोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। फ्रेंड्स, ये मच्छी को हम 15 से 20 मिनट ऐसे ही रख देंगे मैरिनेट करके। तो हमारा 15 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अभी हम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और मच्छी को सेलो फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे और 1 मिनट होने के बाद पलट देंगे मच्छी को। ये और 1 मिनट इस तरफ का फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम मच्छी को निकाल लेंगे। ये देखिए, मच्छी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी हम निकाल लेते हैं सारे मच्छी को, ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मच्छी हमने फ्राई कर लिए हैं। अभी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे। अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। इसमें ऐड कर देंगे हम हरी मिर्ची 3 से 4 टुकड़ा, प्याज लंबा लंबा काट के, मैं 1 ठो प्याज ली हूँ यहाँ पर, डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होते तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी कड़ी पत्ता डाल दूंगी। कड़ी पत्ता का फ्लेवर अच्छा लगता है इसमें। इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से भून लेंगे। इसमें अभी मसाला डाल देंगे हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और अच्छे से मसाला को भून लेंगे। इसके बाद हम दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। 1 कटोरी दही मैं यहाँ पर ली हूँ। अच्छे से मिक्स करके दही को डाल देंगे और 1 कटोरी पानी भी डाल देंगे। यहाँ पर उबाल आने के बाद हम गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये करी में हमारा उबाल आ चुका है। अभी मच्छी को ऐड कर देंगे, फ्राई किए हुए मच्छी को। और यहाँ पर हम मच्छी को 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। अभी ढक्कन लगा लेते हैं हम। फ्रेंड्स, ये 2 मिनट हो चुका है हमारा करी, अभी ऑलरेडी बन चुका है। तो इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया, हरा धनिया का पत्ता बारीक कटा हुआ। और अभी धीरे धीरे करके मच्छी को थोड़ा सा पलट लेंगे। तो हमारा बन चुका है अभी दही फिश करी। सर्व करने के लिए हमारा रेडी हो चुका है। अभी गैस को ऑफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा दही मच्छी करी, मतलब दही फिश करी बोलते हैं, तो बन के रेडी हो चुका है खाने के लिए। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो घर पर आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।